गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह तो किचन में ही काम होता है, तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और नाश्ता। और टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, 9 इसलिए बज गया, इतना लेट इसलिए थोड़ा सा नाश्ता हो गया है क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, पूजा वूजा मुझे ही करनी होती है ना, तो सुबह से नहा धो के पूजा करना और भी काम हो जाते हैं ना, तो लेट हो जाती हूँ और तो उसमें टाइम चला गया। लेकिन नाना नानी के लिए एक बार मैंने चाय बना दी थी सिंपल, और अभी चाय नाश्ता। और नाश्ते में आज सबसे हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ, चने वो जो ट्रेन वाले। और नाश्ता होने के बाद अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ दाल लेके। ये दाल ना एक दिन रखी रही थी फ्रिज में क्योंकि बादल हो रहा था, धूप नहीं निकली थी, तो वरी नहीं लगा पाई थी नानी, तो आज लेके आई हूँ। एक दिन ही रखी रही थी। और ये ना मेरा एक दिन का वीडियो नहीं है, कई दिन का वीडियो शूट है। थोड़ा थोड़ा अभी दो दिन से वीडियो नहीं आए क्योंकि बनाया नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाओ अकेले अकेले, फिर काम भी हो जाता है, वहाँ लग जाओ तो और याद नहीं रहता है। तो बस ये दो तीन दिन जो भी मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था, तो वो आज पूरा एडिट करके आ रहा है। अभी नाना जी ये 27 साफी लेके आए हैं, ये किसी पूजा के लिए लेके आए हैं, वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी। और अभी हो रहा है लंच का टाइम, और आज लंच में मैंने इतना सारा खाना अकेले बनाया है, करेले की सब्जी, दाल, रायता वगैरह सारी चीज़ें। और ये है दूसरे दिन का वीडियो शूट। मैं यहाँ पर ना आलू कस के वो मैं नमकीन बनाने जा रही हूँ जो मैंने एक दिन बनाई थी, क्योंकि वो नमकीन ना सबको बहुत पसंद आई थी और नाना जी बोल रहे थे कि वही बना लेना, सुबह नाश्ते में भी सही रहता है। और उनका मन करता रहता ना, जैसे दवा ववा खाते हैं कुछ भी तो मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता, तो उस वजह से तो बस वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मामा देखने आ रहे हैं, मामा कह रहे हैं क्या बना रही हो, फिंगर बना रही हो क्या? मैंने कहा हाँ, ऐसे बनाई जाती हैं फिंगर। लेकिन वो नमकीन ना सबको बहुत पसंद आई थी, नानी को भी पसंद आई थी, नाना को भी पसंद आई थी। नाना बोल रहे थे ये अच्छा है, घर में बना के रख लिया करो, क्योंकि मार्केट की चीज़ें नाना को वैसे भी बहुत कम पसंद आती है। तो फिर आज मैं फिर से वही नमकीन बनाने जा रही हूँ। उस बार फर्स्ट टाइम था ना, तो थोड़ा सा दो आलू का बनाया था सिर्फ देखने के लिए कि बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा आए, अभी जा रहे हैं बनाने। तो फिर का टाइम हो रहा है, बैठे बैठे यही कर रहे थे। मैंने नानी पसंद आई थी ना, अच्छी लगी थी। तो वो मैंने ना अच्छे से कस के और रख दिया, कद्दू कस करके रख दिया, पानी निकल जाए, धुला है अच्छे से, और उसके बाद वो पानी पूरा निकल जाए ना, फिर मैं तेल में फ्राई करूंगी। लेकिन उससे पहले जा रही हूँ ना चाट मसाला लेके आ रही हूँ दुकान से, क्योंकि घर में चाट मसाला नहीं है। चाट मसाला बना उसमें टेस्ट नहीं आता ना, उस बार नहीं डाला था, थोड़ा सा था वही बस डाला था। यहाँ पर देखिए वो तो बेचारे नाली साफ कर रहे हैं, नाना जी हमारे उनको भी लेक्चर देने पहुँच गए, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये कचड़ा वहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ। नाना को ना किसी का भी काम हो टांग अड़ाना जरूरी होता है, उसे ये बताने पहुँच गए। नानी चाय, ये बोरी में कवर दिया लकड़ी, ये लकड़ी का ही थी। अच्छा वो जो हवन के लिए नाना बोल रहे थे, इतनी लकड़ी तो बहुत है। तूने कहा तो था, कहा तो था, लेकिन मैं 4 नंबर कमरे में पहुंच गई थी और लौट आई थी, मुझे वहां को समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं वहां पर लौट आई, फिर दिमाग से निकल गया, बस इतनी तो हमारी मेमोरी है। खड़िया साइड अली अच्छा लग रहा है ना, रियलिंग के बाद अच्छा लगता है। तो शाम तक देखो जाने क्लियरली बुरकोस कर दी ना, खा खा सी खावी बड़ी खावी नानी की जी, देखो ये डली खाई
नानी तो इतनी मेहनत से कर लगाती है, बड़ी एक एक तिनके के पीछे पड़ी रहती है गिलहरी खा रही। नानी पिटाई नहीं ना गिलहरी की, मिल ही जाती है ना वो। मैं भी जा रही साथी है, नमकीन तो बाद में बनेगी, टाइम लगेगा ना। और यहाँ पर आलू का पानी अच्छे से सूख चुका था, तो उसके बाद मैं फ्राई कर रही हूँ। और मुझे वो वाली झंझिया नहीं मिली जो छन्नी टाइप की होती है और उससे अच्छे से निकल जाती हैं चीज़ें, जिसमें पोहा वगैरह डाल के भूनते हैं। थी पता नहीं, या तो टूट गई होगी या तो फिर कहीं रखी होगी, मामी की रखी चीज़ है तो मुझे नहीं मिल रही होगी। तो फिर मैंने क्या किया, आटा वाली छन्नी ले ली। आटा वाली छन्नी से ही मैं उसे निकाल ले रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑयल निकालने में टाइम लगता है। और वैसे ना हमारे यहाँ नवरात्रि के टाइम नानी के घर में ना तो कढ़ाई चढ़ाई जाती है, ना सब्जी बनती है, ना तला भुंजा, कुछ नहीं बनता है। लेकिन इस बार ना, वो एक तो नानी के घर में सोवर का टाइम है, तो नानी लोग तो ना पूजा कर रही है ना कुछ कर रही हैं। और मुझे बोल रही थी कि तुम कर सकती हो, तुम बच्चा हो, तो मैं तो डेली पूजा भी करती हूँ और जो तलना भुंजना वाला काम है ना, जैसे ये कढ़ाई भी मैं चढ़ा लेती हूँ। नानी कह रही थी तुम तो बच्चे, वैसे भी माफ़ होता है, और फिर तुम लोगों के हाँ ये नहीं माना जाता, ये तो हम लोग मानते हैं, तो तुम आराम से कर सकती हो। तो इस वजह से मैं कढ़ाई वगैरह वाला काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लहसुन प्याज अभी भी नहीं हम लोग घर में यूज कर रहे हैं 9 दिन। यहाँ पर मैंने ये चिप्स भी डाल दिए हैं इसमें भून के, क्योंकि जो बाहर से हल्दीराम की नमकीन आती है ना वो खुली वाली, तो उसमें ना ऐसे ही आलू के पीस पीस से डले रहते हैं, तो उस वजह से मैंने चिप्स को भूंजा और अच्छे से तोड़ दिया, तो वैसे ही पीस बन गए। और पीनट्स भी मैंने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया, और ये पोहा भी हो गया है, देखो कितना अच्छा भुंजा है। मेरे तो पसीने निकल गए, किधर से भून भून के सारा मटेरियल लाने को लाई, चेक कराई, देखो सही हो गया, कम भूंजिए, फिर से पूजो दोबारा से भूंज गए, फिर से भून दे। और ये है मसाले, थोड़ी सी खड़ी धनिया, जीरा, सौंफ और हींग, ये चीज़ें मैंने कढ़ाई में अच्छे से भूंज ली थी। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सी में इसको ना हल्का दरदरा टाइप का करना था, तो बस मैं वो कर ले रही हूँ यहाँ पर, इससे टेस्ट अच्छा आता है मार्केट जैसा नमकीन। टाइटल पढ़ के आप लोगों को लगा होगा कि रमा मौसी के पास मैं जा रही हूँ, रमा मौसी के पास जाने की मेरी तैयारी हो गई। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं बता दूँ, किसी का कमेंट्स आया था, वो बोल रहे थे कि अब तो मामी की भी डिलीवरी हो गई है, मामी भी फ्री हो गई है, तो मौसी के पास क्यों नहीं जा रही, अकेले हैं, वैसे तो आराम से चली जाती थी। तो ऐसा है ना, अभी मामी फ्री तो हो गई लेकिन यहाँ नहीं आई जहाँ ज़रूरत है नानी के पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं ऐसे समझा नहीं सकती। तो अभी मैं मौसी के पास अभी तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ मामी लोग आ जाती हैं यहाँ पर, फिर देखा जाएगा। बहुत अच्छा लगता है कि आपको इतनी टेंशन है मौसी की, रमा मौसी की, और हम लोगों को भी है, लेकिन क्या है कि सारी चीज़ें देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती है ना, उस वजह से है। लेकिन हाँ मामी यहाँ आ जाएँ, उसके बाद कोई ना कोई तो जाएगा मौसी के पास। यहाँ पर जो जो सामग्री थी ना वो मैंने सारी मिक्स कर दी है, और लाई भी नाना बोल रहे थे मिला दो, तो लाई भी मिला दी, वैसे मेरा मन नहीं था। और थोड़ा सा लाल मिर्च पिसा हुआ, वो जो मैंने मसाला पीसा था वो, और चाट मसाला, बस ये चीज़ें डाल के देखिए तैयार हो गई मेरी नमकीन। आप लोग भी टेस्ट कीजिए चाट। और बस अभी डिनर हो चुका है सबका, बस मैंने अभी किचन का काम किया है, और मैंने ये स्टॉल लगा लिया है क्योंकि टॉप में ना सीटें आ जाती हैं बर्तन वर्तन धोने में, तो वो गंदा दिखता है। और अभी बस जा रही हूँ ये आइस लेके, क्योंकि मेरा आज रोज वाटर ख़त्म हो गया है ना, तो मैं अपने फेस में आइस ही लगा लूँगी। रात में कुछ समझ में नहीं आता क्या लगाओ, फिर मैं तो रोज़ वाटर लगा लेती हूँ ऐसे, तो बस अभी आइस लगा ली क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लगता है।
बस इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ा देर स्टडी करूँगी, आधा घंटा, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और बस इसके साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। और आज की वीडियो में ना खाने खाना दिखाया है मैंने, तो जिन लोगों को खाना पसंद है वो लोग लाइक करें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने वीडियो 2-3 दिन में शूट किया ना, तो खाने खाने का एंड हो गया है। तो कोई नहीं, बस इसी के साथ करूँगी अपना वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।